प्रधानमंत्री मोदी के पास देवीय शक्तियां हैं और इतना बड़ा संगठन को चलाना और संगठनात्मक शक्तियों को बरकरार रखना ये देवीय शक्ति के बिना संभव नहीं, ऐसा राजनाथ सिंह कह रहे हैं। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि गांधी के बाद मोदी ही हैं जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि महात्मा गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने जनता की भावनाओं को समझा। साथ ही कहा कि वो लोगों से सीधे जुड़ते हैं और बदले में उन्हें लोगों का विश्वास हासिल होता है। राजनाथ सिंह पहले गृह मंत्री थे, अभी रक्षा मंत्री हैं, लेकिन और जब प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया था बीजेपी की तरफ से, तब वही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वही सामने लेकर आए थे सबके प्रधानमंत्री मोदी को। राजनाथ सिंह लगातार प्रधानमंत्री मोदी के साथ में बने रहे और यही वजह है कि वो आज भी मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजनाथ सिंह ने कहा, विपक्ष 2029 के बाद सोचे पीएम मोदी का तोड़, यानी 2029 तक तो कोई प्रधानमंत्री मोदी को नहीं हिला सकता। ये राजनाथ सिंह ने एक विश्वास जताया है और साथ ही साथ कहा है कि विपक्ष को अगर उनके तोड़ के बारे में सोचना भी है तो 2029 के बाद सोचे। राजनाथ सिंह ने द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी किताब का विमोचन किया। इस अवसर पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग पीएम मोदी की काट खोज रहे हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं रही है। उन्होंने राजनीतिक विश्लेषकों का हवाला देते हुए कहा कि उनका मानना है कि 2029 के बाद ही उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी ने पार्टी का विस्तार केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं किया बल्कि वो विचारधारा के फैलाव और देश की सोच में बदलाव के लिए ऐसा करते हैं। पीएम मोदी दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता और ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में नंबर वन बने हैं। हाल में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पहले भी बरकरार थी, वो पहले भी इस लिस्ट में नंबर वन पर रह चुके हैं और वो कायम है। पीएम मोदी एक बार फिर से 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के नेताओं से आगे निकल गए हैं, वो वैश्विक रेटिंग में शीर्ष पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता और ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में नंबर वन पर हैं। पीएम मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनेज समेत दुनिया के 22 देशों के नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। राजनाथ सिंह ने बताया कि पीएम मोदी क्यों दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय है, इसका कारण राजनाथ सिंह की जुबानी समझने की कोशिश करिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि सांगठनिक क्षमता, जनता से जुड़ाव और उनकी मुश्किलों की जमीनी समझ की वजह से प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। जनता से जुड़े रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, यही प्रधानमंत्री मोदी का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार मोदी के पास जो सांगठनिक क्षमता है वो किसी दैवीय शक्ति के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, जनता से जुड़ाव, उससे संवाद, देश की नब्ज पर मजबूत पकड़, आम जन की मुश्किलों की जमीनी जानकारी से उनकी लोकप्रियता ने देश ही नहीं दुनिया में सभी नेताओं को पछाड़ दिया है। आज वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी का जनता से एक भावनात्मक रिश्ता बन गया है। उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले देश में कुछ राज्यों में राजग की सरकार थी, आज जिसका विस्तार 16 राज्यों तक हो गया है। इस समय पूरे देश में 1300 से ज्यादा विधायक और 400 से ज्यादा भाजपा के सांसद हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति क्या है, यह भी आप जानना चाहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी को मिलने वाली लगातार चुनावी जीत का मंत्र सिर्फ जीत के लिए लड़ो की बात को बताते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का सूक्ष्म प्रबंधन उनकी इसी रणनीति का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, प्रधानमंत्री का आह्वान कोई जुमला नहीं है, असल में वो इसी मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह बात भी केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कही। मोदी और शाह मिलकर भविष्य के लिए एक नई टीम बना रहे हैं और क्या है बीजेपी की फ्यूचर प्लानिंग वो भी जानिए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पार्टी नेता 50 से 65 वर्ष के बीच के नेताओं पर फोकस रख रहे हैं बजाय 65 से 80 वर्ष वाले नेताओं के। पार्टी युवा नेतृत्व को चुन रही है ताकि भविष्य के लिए बेहतर नेता तैयार किए जा सके, एक ऐसी टीम जो अगले 2 दशक तक पार्टी चला सके। निश्चित तौर पर बीजेपी एक बड़ी पार्टी रही और नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोगों ने इस पार्टी को खड़ा किया, ये एक विचारधारा की पार्टी है। जेपी नड्डा भी अपने कार्यक्रम के दौरान ये कह चुके हैं और विचारधारा ही इसकी ताकत है। लेकिन प्रधानमंत्री की निजी लोकप्रियता भी देखने को मिली है, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वो जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर दौरा करने के लिए गए, जिस तरह का रिस्पांस उन्हें मिला, ऐसा कभी भी किसी भारतीय प्रधानमंत्री को मिलता दिखाई नहीं देता था। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से उनके संबंध, उनका लगातार संवाद में बने रहना, ये भी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को बढ़ाने वाला रहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम जन से संवाद के लिए उन्होंने
चाहे वो रेडियो का सहारा लिया हो, सोशल मीडिया का सहारा लिया हो, इस पर वो काफी एक्टिव दिखाई दिए, जो आम तौर पर किसी प्रधानमंत्री के द्वारा दिखाई नहीं देता था। यानी पीएमओ के और प्रधानमंत्री के दरवाजे उन्होंने इस तरीके से जब संवाद की बात होती है आम जनता के लिए खोले, ये उनकी एक बहुत बड़ी ताकत है और यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता बनी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपने कुछ मूल मुद्दों से नहीं हटे हैं, वो पार्टी की विचारधारा से नहीं हटे हैं, वो इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं और कई बार इतने बड़े वो निर्णय लेते हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा ना हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डिसीजंस रहे हैं जिसने उनकी लोकप्रियता को बरकरार रखा। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में जो हाल की जीत मिली है उसने भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बरकरार है इस बात पर मुहर लगाई है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।